हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीबीगंज बरेली में। देखिए, जैसा कि सीरीज आपके लिए चल रही है एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति, उसी के आधार पर हम आपके लिए सवाल बताते चल रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में यहाँ पर 3 प्रश्न बता दिए हैं। अब 3 प्रश्न के आगे कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज आपके लिए यहाँ पर है, हम आपके लिए बताते हैं एक्सरसाइज कौन सी चल रही है। तो एक्सरसाइज यहाँ पर 7.2 है। क्या है? 7.2। और एक्सरसाइज 7.2 के 3 सवाल हमने पिछली वीडियो में करवा दिए, 3 सवाल आपके लिए पिछली वीडियो में हो चुके हैं। अब आपके लिए जो है क्या कराना है, चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न हम आपके लिए बताते हैं क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है चौथा। क्या है, ध्यान से देखिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले एक व्यास बना दे, ये एक वृत्त बना लेते हैं। ये है व्यास, यहां पर ए बी, ए बी है व्यास इसका। क्या है? ये व्यास है, ये व्यास है। और यहां पर एक केंद्र है, केंद्र इसका ओ केंद्र है, और जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं यहां पर, जिसका केंद्र 2, -3 है, 2, -3। ये इसका केंद्र है, 2, -3 इसका केंद्र है। और B का केंद्र, B बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं यहाँ पर 1, 4, 1, 4, ये दिए गए हैं। और आपसे पूछा गया बिंदु A के निर्देशांक निकालिए, ये इसके निर्देशांक मैंने मान लिए यहाँ पर X और Y, ये दो निर्देशांक है। अभी देखिए ध्यान से, फिर से सवाल सुन लीजिए क्या है कि यहाँ पर एक गोला है इस तरीके से, एक वृत्त है, और जिसमें आपके लिए B बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं ये, और केंद्र के भी निर्देशांक दिए गए। तो आपके लिए ए के निर्देशांक निकालना है, जो कि ए और बी जो है, ए और बी वृत्त के व्यास के, व्यास के सिरे हैं, सिरे हैं यानी एंड पॉइंट है। अब क्या करना है आपके लिए, अगर ये मान के चलो मैं मध्य बिंदु है ओ, तो हम लिखेंगे ओ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। अगर यह मध्य बिंदु है तो आप इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं मैं लिख देता हूं। मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो यहां पर होता है आपके लिए x बराबर x1 + x2/2। इस तरीके से दूसरा होता है y बराबर y1 + y2/2। ये दो कोऑर्डिनेट होते हैं इस तरीके से मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो आप निकालिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये मध्य बिंदु है दो, इसका निर्देशांक निकालना है आपके लिए। x और y दिया गया है, तो दो दिया गया, पहले दो बराबर हो जाएगा। ये दो निकालोगे तो x1 + x2, यानी x1 ये है और x2 ये है, तो x + 1 और बटे में यहां पर इनका जो दो है हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 लिख लो। इसी तरीके से ये -3 दिया गया, तो -3 बराबर y1 + y2, यानी y का मान यहां पर, y1 का मान 2 है और y2 का मान 4 है, तो y + 4/2, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को आप देख रहे होंगे, ध्यान से देख लीजिए, इन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा और x y का मान आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लिखेंगे। अब देखिए समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, 2 = x + 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां 1 नीचे मान लेंगे। अब आप ये देखिए, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे, x + 1 इधर ले आओ, तो x + 1 = 2 × 4, ये हो जाएगा। तो यहां पर करेंगे x = 4 - 1, यानी x = आ गया इसके लिए 3। ये पहला बिंदु आ गया x इसका। अब इसके बाद आप दूसरा निकालेंगे, तो -3 = 2 + 4 और बटे में 2 है, ये इसको भी सॉल्व करेंगे, इधर कर लेंगे y + 4 = 2 - 3 × 2 से करेंगे, तो y + 4 = हो गया -6
और बाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए माइनस का छः तो है ही है, चार इधर चला आएगा माइनस का चार, तो यह बाई बराबर हो जाएगा छः और चार माइनस का दस। बाई बराबर माइनस का दस आ गया तो दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स का मान तीन आया और बाई का मान माइनस दस आया, यही आपके आंसर हो जाएंगे, ये ए बिंदु के निर्देशांक बताएंगे। तो इस तरीका से देख सकते हैं आप, ए बिंदु के निर्देशांक आ गए तीन कॉमा माइनस दस। अब अगला प्रश्न जो है वो ये है, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरी प्रश्न का पांचवा प्रश्न है, तो हम इसको आपके लिए करवाते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है बच्चों, पांचवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है बिंदु चार कामा माइनस एक, ये एक बिंदु है और एक है माइनस दो कामा माइनस तीन, ये है, इसको रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको तीन भागों में बांटना है, तो तीन भागों में बांटने के लिए यहां पर तो एक है ही है, इसको ए बिंदु मानो, इस तरीके से एक भाग ये हो गया और एक यहां खींच दो, तो आप देखो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, तीन भागों में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट ये है, ठीक है, क्लियर है, तीनों पार्ट हो गए। अब आपके लिए करना क्या है, इस तरीके से देखिए ध्यान से, यहां पर पहला पार्ट है, पहले पार्ट के लिए मैं निकाल रहा हूं, इसको बी बिंदु मान रहा हूं, इसको सी बिंदु मान रहा हूं, इसको डी बिंदु मान रहा हूं, तो मुझे निकालना है पहले ए बी का, ये जो रेशियो है ए बी का रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए, ये तीन भागों में विभाजित है, तीन भाग हो गए इसके, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, इसके एक भाग ये हो गया, तो आप देखिए यहां पर पहला अनुपात क्या होगा, अगर मैं पहला अनुपात इनके बीच में ज्ञात करूं तो ए बिंदु है चार कॉमा माइनस वन और ये बिंदु कहां पर डिवाइड होगा, पहला पार्ट हो गया वन यूनिट, इसकी दूरी मैं मानूंगा वन यूनिट, कितनी दूरी मानूंगा वन यूनिट, तो आपके लिए यहां तक तो वन यूनिट हो जाएगा, एक इकाई मात्रक यहां पर, और उधर कितना बचेगा आपके लिए, तो दो बचेगा इसका अनुपात, यहां तक इसका एक यहां हो गया और अनुपात दो, एक अनुपात दो यहां बचा और ये हो गया माइनस दो का माइनस तीन, इस तरीके से। तो यहां पर आपके लिए क्या करना है, आप सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, इधर दो हो गया, यहां पर अनुपात हो गया एक अनुपात दो, आपके लिए बिंदु निकालना है, इसको मान लो x और इसको मान लो y, तो मैं पहले x निकालूंगा, करो भाई, एक की गुणा दो से होगी, तो एक की गुणा जब दो से होगी तो हो जाएगा माइनस का दो, अनुपात विभाजन जो होता है, दो की गुणा चार से होगी तो दो चक्के आठ और बटे में एक प्लस दो, एक प्लस दो ये आ गया, तो यहां पर आपके लिए आ गया आठ में से दो गया छः और बटे में तीन, तीन दूनी छः दो आ गया। इसी तरीके से आप देखिए यहां पर दो आ गया और अब अगला निकालेंगे बाई, तो बाई जब निकालेंगे यहां पर तो बाई के लिए आप देखिए एक की गुणा तीन से होगी तो माइनस का तीन और दो की गुणा एक से होगी तो माइनस का हो जाएगा आपके लिए दो और बटे में एक प्लस दो, तो तीन और दो पांच माइनस का पांच और बटे में तीन, ये आ जाएगा दूसरा कोऑर्डिनेट। तो पहले के लिए एक अनुपात दो आया था जिसके लिए हमने पहला बिंदु निकाल लिया है, अब बात करते हैं दूसरे वाले सेक्शन के लिए, तो जब दूसरे वाले सेक्शन के लिए यहां पर इस बी और सी के अंतराल में करूंगा तो ये जो अनुपात होगा ये एक था, अभी अब ये दो दो में हो जाएगा, यानी तीन में है तो दो इधर का और एक इधर का, तो अनुपात दो और एक आ जाएगा, तो हम लिखेंगे चार कॉमा माइनस एक और ये है माइनस दो कामा माइनस तीन, तो ये अब कितना, इधर का दो यूनिट और इधर का एक यूनिट, तो दो और एक का रेशियो हो जाएगा दो अनुपात एक, तो हम इसके निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट पहले क्या करेंगे भाई, दो की गुणा दो से दो दूनी चार माइनस का चार, फिर आपके लिए आ गया प्लस, एक की गुणा चार से होगी तो प्लस का चार हो गया और बटे में दो प्लस एक, तो चार में से चार चला जाएगा ये जीरो बटे तीन यानी जीरो। इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो दो की गुणा तीन से होगी तो दो तीन छः माइनस का छः और एक की गुणा माइनस एक तो माइनस का एक और बटे में दो प्लस एक, तो ये हो जाएगा आपके लिए
छः और एक सात, माइनस का सात बटे में दो और एक तीन, तो ये माइनस का सात बटे तीन आ गया। आप देख सकते हैं हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, तो पहला रेशियो हमारा 1:2 का आया और दूसरा रेशियो आया 2:1 का, तो यहाँ पर आपके लिए ये सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए 14 क्वेश्चन कराया, ये कई बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं हमने 14 प्रश्न कराया, बहुत इंपॉर्टेंट था, 5वां प्रश्न कराया बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे अगले का सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए आप इस चैनल पर कनेक्ट रहिए, और जैसे ही हमारी वीडियो पड़ती है आपको अगला सवाल मिलेगा और अगला पार्ट वीडियो का मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।